हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले पावरट्रॉनिक। सो जिसने पावरट्रॉनिक का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जो चेकआउट कर लेना। तो आज हम लोग अभी आए हैं एक शांति से जगह पे। सो बाइक तो हम लोगों ने डाल दिया अभी पैडॉक स्टैंड पे, और पावरट्रॉनिक आ गया है। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने मैनुअल भी डाउनलोड कर लिया पावरट्रॉनिक की वेबसाइट के, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से। सो अभी इसको पूरे इसका पैनल खोलना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा क्या क्या स्टेप्स है और कैसा प्रोसीजर करना है अपने को। गाइस पहले हम लोग इसका सीट खोलेंगे। आ गया, आ गया हर्ष, आ गया थोड़ा। तो सीट खोलने के बाद एज पर मैनुअल हमें ये वाला नट निकालना है। यहाँ पे जो है ये दो नट निकालने हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे नट निकालना, इसको साइड में रख देंगे पहले। तो याद रखा स्टेप सेकंड ये है, हमें ये वाला पैनल पूरा खोलना पड़ेगा। तो ये पैनल खोलने के लिए 1 2 3 4 5 6 स्क्रू है। तो सो बेसिकली स्क्रू नहीं है, ये क्लिप जैसा है, आपको दिख रहा है क्या, हिल रहा है ये। तो इसको ऐसा रिमूव करना था, जोर से ऐसा ओपन करके प्लग करके। ये 4 6 स्क्रूज हमने निकाल दिया है। तो अभी इसका पैनल निकालना है हमें, तो इजीली इसका पैनल अभी निकल जाएगा बाहर। हमने ये वाला पैनल तो पूरा खोल दिया है। ये पैनल खोलने का हमें यहाँ पे 2 एलन की से स्क्रू खोलना था, ये भी खोल दिया। अभी यहाँ पे 1 2 स्क्रू है, ये एक बड़ा वाला और ये एक बड़ा वाला। सो ये 2 स्क्रू ओपन करते हैं, टैंक ऊपर आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे फ्यूल इंजेक्टर से। सो बेसिकली हमको यहाँ पे रिमूव करना है ये वाला, यहाँ पे देखो। हाँ सो ये जो फीमेल वाला है, पहला ये निकालेंगे हम लोग और फीमेल वाला डालेंगे, फिर वो जो निकाला वाला है वो इसके अंदर घुस जाएगा। तो बेसिकली गाइस ये ऐसा वाला प्लग करना अपने को, और ये वाला जो वायर है जहाँ पे हमने एक प्लग वाला निकाला था, तो हमको यहाँ का स्क्रू निकालना है। फिर अभी जो काम होने वाला है वो बेसिकली इस पे होने वाला है, यहाँ पे जो है। तो बॉस ये जो हम लोगों ने अभी स्टॉक इग्निशन कॉइल निकाला था यहाँ पे, यहाँ से। तो अभी जो पावरट्रॉनिक इग्निशन कॉइल है वो अपन यहाँ पे लगाएंगे, और इसका जो है वो इस पे ब्लैक वाले पे लग जाएगा। हम लोग इसका जो मेल मेल पिन है वो मेल पिन निकाल रहे। ओके सभी, पावरट्रॉनिक का जो मेल पिन है वो अपन वहाँ पे लगा देंगे। हाँ ये वाला है, इसका मेल पिन लगा देंगे वहाँ पे। दो काम हो गया है मेन, पहले जो इग्निशन का था ये वाला वायर, उसके बाद हमने काम किया कॉइल का, कॉइल सेंसर का। अभी हम लोग यहाँ पे आए, अभी आपको बता देते ये क्या है। के लिए ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर है। सो अभी इसका कपलर निकाल रहे हैं हम लोग, और जो पावर ट्रॉनिक क्रैंकशाफ्ट सेंसर है वो अपन लगा रहे हैं। हाँ वो सही से लगा, सही लग गया, ये हो गया इंस्टॉल इसका। अभी हम लोग ने थ्रॉटल सेंसर निकाल दिया था यहाँ पे, और ये जो क्लिप था और थ्रॉटल सेंसर का पावर ट्रॉनिक का वायर था, हम लोग ने जोड़ दिया दोनों। आप देख सकते हो जो बीच का येलो का वायर, येलो वाला वायर है, उसको अपने को जो टैप क्लिप दिया है पावर ट्रॉनिक के बॉक्स के अंदर, वो क्लिप के साथ अपने को टैप करने का इसको। सो अभी डेरे हम लोग इस पे जहाँ पे प्लग इन कर लेंगे, यहाँ पे जो था इसके पीछे, इसके नीचे था, अब अभी प्लग इन कर लेंगे हम लोग। सो गाइस अभी इसके ऊपर लगेगा, ये इसके ऊपर लगेगा हाथी का लंडा। लग गया ये, इंस्टॉलेशन तो हम लोग का हो गया पूरा। सो अभी बेसिकली हम लोग इसका मॉड्यूल लगाएंगे चेक करने के लिए प्रॉपर फिट है हुआ है कि नहीं। सो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको एक बार प्रेस करने के बाद। ये लॉक हो गया इसका। तो बेसिकली अगर हमने अभी चालू कर दिया, ये दोनों ग्रीन लाइट आया, तो इसका मतलब है सक्सेस है इंस्टॉलेशन इसका। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गया है, इसका मतलब जो इंस्टॉलेशन है एकदम प्रॉपर है। अगर आपको ये ग्रीन लाइट नहीं आता, मतलब आपका इंस्टॉलेशन में कुछ तो खराबी है, या फिर आपने कुछ भी वायर इधर का उधर कर दिया। ये प्रॉपर मॉडल पावरट्रॉनिक का। सो अभी हम लोग ये फिट करेंगे इसको। फिट हो गया अभी।
इसको रखे, एक बार स्टार्ट करेंगे अपन। तो बेसिकली अभी इसका ट्यूनिंग बचा हुआ है, इसका ट्यूनिंग किया नहीं है। इसका ट्यूनिंग करने के लिए अपने को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपने को लैपटॉप पे कनेक्ट करना पड़ेगा और मैं आपको दिखा देता हूँ इसे ट्यूनिंग करना कैसा है। गाइस अभी फिटिंग तो पूरी गाड़ी का हो गई है, सो फिटिंग तो जैसे आपने निकाला वैसे आपने वैसे लगाने का है, तो याद रखना है बस आपको कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगेगा। सो अभी बेसिकली हम लोग ट्यून करने आ रहे हैं गाड़ी को, सो अभी लैपटॉप कनेक्ट करेंगे अपन मेन पावर टॉनिक ईसीयू पे और आपको बताएंगे कैसे ट्यून करना है इसको। सो ट्यून करने के लिए बेसिकली आपको भाई सॉफ्टवेयर चाहिए पावर टॉनिक का, सो आपको जो गाइड मिलता है उस पर बारकोड रहता है, वो बारकोड आपको स्कैन कर लेना है और डाउनलोड करना है उसका पावर टॉनिक का सॉफ्टवेयर जो पीसी के लिए प्रॉपर। सो गाइस अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ सीधा सॉफ्टवेयर में कैसा काम होता है क्या होता है। हम लोग एग्जॉस्ट लगाने आए R15 में। सो पहले एग्जॉस्ट लगा था R1M का, सो 31st न्यू ईयर था तो करके हम लोग निकाल दिया था क्योंकि पुलिस वुलिस का चेकअप ज़्यादा होता है। सो अभी बेसिकली हम लोग वापस लगाने हैं एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्ट लगाने के बाद ट्यून करके तो प्रॉपर हो जाएगा। अक्षय भाई अपना अभी एग्जॉस्ट लगा रहे, फुल सेटअप चल रहा है। एक बार कनेक्ट हो रहा क्या, वो देख ले सकता कनेक्ट हो गया ना तो मेरा फोन चार्जिंग पर गाइस हमने कनेक्ट कर दिया है पावर टॉनिक टैब से। तो बेसिकली हम लोग पहले पीसी में कनेक्ट कर रहे थे, सो वो हो नहीं रहा था, कनेक्ट सक्सेसफुल हो नहीं रहा था, डिवाइस का नाम दिख नहीं रहा था, तो अभी टैब में कनेक्ट किया। सो इसका जो ऐप है वो आपको पावर टॉनिक का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। सो अभी ऐप कनेक्ट किया तो आप ऊपर देख सकते हो डिवाइस कॉन्फिगरेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। सो आपका भी करना क्या, आपको सीधा जाना है कंट्रोल सेटिंग पर और गाड़ी ऑन कर लेना। पहले जैसा आप गाड़ी ऑन करोगे एक बार स्टार्ट कर देना उसको, जैसा आप स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा बाहर पे, सीधा आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है, थ्रॉटल पोजीशन में क्लिक करना है, लोड कैलिब्रेशन में क्लिक करना है। आपको लिख के आ रहा है यहाँ पे एक्टिवेट गो फुल लोड एंड देन जीरो। क्लिक करना लोड कैलिब्रेशन पे तो आपको जो भी आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि सेंडिंग डेटा टू डिवाइस, जो डिवाइस है यहाँ पे पावर टॉनिक का उस पर सिंक हो गया हो, तो अगर सिंक सक्सेसफुली है तो यहाँ पे आपको डन लिख के आ जाएगा। तो हम एक और बार आपको करके दिखा देंगे। सो गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, गाड़ी स्टार्ट करते ही लोड कैलिब्रेशन तो आपको दिख रहा है सिंकिंग डेटा, इस पर लिख के आया स्टेट आइडलिंग देन क्लिक बटन, आइडल पे है, लोड कर दिया हम लोग ने, एक्टिव गो फुल लोड एंड देन जीरो पे चला गया, रीडिंग आ गया, एक बार अपना बटन क्लिक कर दिया, रिज्यूमिंग लाइव डेटा हो गया। अब सीधा अपन जाएंगे सेकंड के लिए इंजेक्शन पल्स स्पीड, अभी अपन लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है पहले जो हो गया था आपका वो सिंक हो गया, स्टेट आइडलिंग देन क्लिक बटन, अभी आइडल पे गाड़ी अपने पर क्लिक कर दिया, कैलिब्रेशन इवेंट हो गया, अभी आपको फुल थ्रॉटल देना है, फिर देन जीरो बटन में क्लिक कर डन करेंगे। अभी तो आपका भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा, तो पहले का जो है वो यहाँ पे लिख के आ गया है सेंडिंग टू डिवाइस सिंक डन, बंद कर देंगे अभी। हाँ जी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली हो गया हमारी गाड़ी पर। सो बेसिकली अभी हम लोग 2 से 3 दिन इसको टेस्ट करेंगे नॉर्मली और खींच के देखेंगे कि 12,000 RPM का हमने सेट किया तो खींच के देखेंगे कितना मैक्स जा रहा है। अगर फिर भी अपने को लग रहा है कि पावर की फिर भी कमी है, इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं आया, परफॉर्मेंस एक्टिवेट नहीं हुआ है, अपग्रेड नहीं हुआ उतना, तो फिर हम लोग डायनो रन करेंगे इस पर और प्रोफेशनल के थ्रू हम लोग इसको जो परफेक्ट ट्यूनिंग होता है
वो अपग्रेड करेंगे। पावरट्रॉनिक के सॉफ्टवेयर में होगा पर हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो बेसिकली जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है वो सॉफ्टवेयर पे छेड़खानी ना करे, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ट्यूनिंग होता है, वो प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। अपन अगर ऊपर नीचे कुछ करेंगे तो जो मेन इश्यू है उस पर वो डैमेज करेगा। सो बेसिकली बेस्ट टेस्ट रन जो है मेरी गाड़ी का, उसकी गाड़ी का, सो मैं बनाऊँगा। सो वो 2 से 3 दिन बाद ही बनाऊँगा मैं, क्योंकि अगर अभी जस्ट नया इंस्टॉल किया हुआ है। सो अभी परफेक्ट टेस्ट रन, उसका टॉप स्पीड कितना जाएगा वॉट एवर, मैं परफेक्ट एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी के रिलेटेड आएगा। सो फिर अभी से 2 से 3 दिन हम लोग इसको नॉर्मली रन करेंगे, देखेंगे ऐसा कितना पिकअप दे रहा है, कितना आरपीएम जा रहा है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।